यूट्यूब चैनल। तो गाइस इंस्टा पे मुझे बहुत डीएम आ रहे थे कि भाई हमारे घर वालों की भी हाइट अच्छी है, पेरेंट्स की हाइट अच्छी है, फिर भी हमारी हाइट इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है। तो गाइस मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप ऐसी पांच कौन सी गलती करते हो जिसके कारण आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होती। क्योंकि हमारी जो हाइट जो मेन जो है वो हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड होती है कि हमारे घर वालों की हाइट कैसी है। अगर हाँ आपके घर वालों की हाइट अच्छी है और आपकी नहीं है, तो पांच जो गलतियां वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप कौन सी ऐसी पांच गलतियां करते हो। बस आपको वो पांच गलतियां जो मिस्टेक है एक्सरसाइज और रनिंग नहीं करना। क्योंकि घर में ये चीज बोली जाती है कि जब तक भाई तू 18 का नहीं हुआ, 19 का नहीं हुआ, तो जिम मत जा, एक्सरसाइज मत। क्योंकि वो लोग सोचते हैं जिम जाने से एक्सरसाइज करने से हाइट रुकती है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, जब मेरी 5.3 थी हाइट, तो मैं भी एक्सरसाइज करता था, रेगुलर रनिंग करता था, मैंने कभी हाइट पे कोई कुछ नहीं करा। और आज मेरी हाइट 5.11 है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने सारी एक्सरसाइज करी थी जिम में जाके। हाइट से जिम का लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि हाइट जो मेन है वो आपके पेरेंट्स पे डिपेंड है। बस हाँ, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट नहीं है और आपकी भी कम है, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, बस वो स्ट्रेस करो थोड़ा बहुत। क्योंकि और जितना हो सके आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस करो, क्योंकि स्ट्रेचिंग क्या होती है, आपको खिंचाव लाती है बॉडी में। जितना आप बॉडी को अपनी स्ट्रेच करोगे उतना खिंचाव आएगा। और साथ में हाइट कुछ मिस्टेगा वो ये है कि अपनी नींद प्रॉपर तरीके से नहीं लेना। क्योंकि अब के लोग जो ऐसे हैं वो रात के 2-2 बजे तक 1 बजे तक अपने जीएफ से बात कर रहे हैं, ना अपनी नींद पूरी कर रहे हैं ना उसकी होने दे रहे हैं। वो भी क्या सोचती होगी कि भाई कौन चीप हुआ आ गया जो चुपका पड़ा है, मेरी भी नींद खराब कर रहा है, अपनी भी कर रहा है। तो गाइस इसमें आपकी भी इंसल्ट है। तो मैं वही बता रहा हूँ, अपनी भी नींद लेने दो अच्छे से। हर जो मिस्टेक हमारी वो है कि प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लेना। क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि सुबह का नाश्ता दोपहर को कर रहे हैं, दोपहर का शाम को, शाम का रात को, तो इससे क्या उनका पूरा डाइजेशन बिगड़ जाता है। और मेन चीज हमारी डाइजेशन, जब तक हमारी डाइजेशन अच्छी नहीं होगी तो आप खाओगे क्या, लगेगा क्या शरीर में, मतलब कि ये मान लो ओवरऑल बॉडी पूरी खराब होगी जब तक हमारी डाइजेशन सही नहीं है। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट अच्छे से लेनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं डाइट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ये जरूर बताने की। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए डाइट पे ही बनाऊंगा और किस टाइम क्या खाना वो बताऊंगा। तो अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से लो, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लोगे आपकी हाइट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपके वेट पे पड़ेगा। तो मैं ही चाहता हूँ कि आप सब चीजें छोड़ के डाइट पे ध्यान दो। जो मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो तो सभी की फेवरेट मिस्टेक है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नो फैब आपको तो पता है, दिन रात करो काम करोगे तो भैया क्या आपके शरीर में लगेगा, क्या आपकी हाइट बढ़ेगी। एक साइड से तुम लेने में लगे पड़ो, दूसरी साइड से निकाल दे तो फायदा क्या है, ना आपकी बॉडी में लगेगा ना आपके दिमाग में लगेगा, तो फायदा क्या है ऐसा। ना हो सके भाई लोग आप इस चीज को अवॉइड करो, नो फैब को दिन रात करो काम मत करो, क्योंकि इससे आपकी ओवरऑल बॉडी पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और साथ में दूर से भाई लोग जो फिफ्थ जो मिस्टेक है वो ये है कि कुछ लोग क्या है एकदम झुक के चलते हैं, आपने देखा होगा झुक के चल रहे हैं ऐसे करके, तो अपने ना कंधे एकदम स्ट्रेट की जगह ऐसे करके चलते हैं, चाहे उनकी हाइट होगी 5 फुट ठीक है, 5.9 होगी, फिर भी झुक के चल रहे हैं। झुक के चलने में क्या है, जितनी आपकी हाइट है आधी तो आपकी इसी में निकल जाएगी, तो आप आगे लंबे देखोगे। तो जितना हो सके आप अपने चेस्ट को एकदम स्ट्रेट रख के एकदम सामने देख के ऐसे चलोगे, तो इसमें आपकी क्या बॉडी पे फर्क पड़ेगा। और जो आपकी स्पाइनल जो है, स्पाइनल कोड जो है, आपकी रीढ़ की जो हड्डी जो होती है उसे भी आप स्ट्रेट रखोगे तो बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा पीछे हाइट इंक्रीज होने में। क्योंकि आप जितना झुक के चलोगे तो आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो भी आगे को बैंड होगी, स्पाइनल पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा और आप झुक के चल रहे हो, हाइट भी नहीं बढ़ेगी। तो आप जितना हो सके इस चीज को अवॉइड करो, और आज से ही इस चीज को अवॉइड करो। और जो मैंने जो 5 जो मिस्टेक बताई है, इन जितना हो सके इन 5 मिस्टेक को अवॉइड करो, सुधारने की कोशिश करो, और गारंटी से आपकी हाइट में फर्क दिखेगा। तो अगर आपको, आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये मेरी इंस्टा आईडी है, कोई भी इस वीडियो से क्वेरी या फिर कुछ पूछना हो या फिर कुछ भी डाइट वाइट पूछनी हो, तो मेरी फोटोज के नीचे कमेंट में लिख दे करो, मैं आपको बता दे करूंगा।